अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरी से होंगे। आज मैं आपको कोको फ्रॉस्टिंग बनाना सिखाऊंगी। ये कोको पाउडर से बनेगी और इसमें दूध नहीं डलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन में 3/4 कप या 100 ग्राम चीनी डालें। इसमें 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर डालें और आधा कप पानी डालें। इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें मुसलसल गोल गोल चम्मच चलाते रहें और इसी तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने और ये मिक्स भी हो जाए। मैंने इसको हल्की आंच पर मुसलसल 5 मिनट तक पकाया है। इसमें पानी शामिल है इसलिए ये गाढ़ी नहीं होगी। इसे गाढ़ा करने के लिए मैंने 1/4 कप पानी में 1/2 टीस्पून कॉर्न फ्लोर को हल कर लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करें। इसे मज़ीद 2 मिनट के लिए पकाएं और जब ये गाढ़ी होने लगे तो इसमें 2 खाने के चम्मच मक्खन डाल दें। 2 खाने के चम्मच मक्खन 30 ग्राम के बराबर होता है। अब ये गाढ़ी हो चुकी है और ये बिल्कुल तैयार है। इसे बर्तन में निकालें और ठंडा कर लें। इसे ठंडा करने के बाद ही आप किसी केक या पेस्ट्री पर इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं। ये ठंडा करने पर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। आप इसे फ्रिज में रखकर 2 हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मुझे और मेरी वालदा को दुआओं में याद रखें। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।